How you doing? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गर्मी बहुत शदीद वाली हो गई, इतनी गर्मी है। रात भी काफ़ी गर्म थी और अब तो इतनी तेज़ धूप है ना, ऐसे जो मई का है ना, पता लग रहा है कि मई का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है। अभी ये रूमी की जो गाड़ी है ना, वो उसने धूप पर रखी हुई है, वो उठा के इधर ले आती हूँ, क्योंकि फिर ये ना गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं सारी। और फूल भी माशाल्लाह से अच्छे हुए खड़े हैं, लेकिन पानी अब सुबह भी लगता है इनको, शाम को भी लगता है, लेकिन इतनी सख्त धूप है ना, तो वो मुझे लगता है मुरझा जाते हैं इनको। जाहिर प्लांट्स को भी जो है ना, वो लगती है प्यास। तो रूमी की गाड़ी जो है ना, अभी अंदर ले जाती है। इसको मैंने इधर शेड के नीचे कर दिया। आज जो है ना, हसन भी गए हुए सुबह से उकाड़ा, उन्होंने कोई गाड़ी का काम करवाना था, और अली भाई भी गए हैं अभी आंटी लोगों को लेके। अरफा भी आज चली गई है, इतनी उदासी होगी उसकी। तो अभी ये सारी सफाई होने वाली है, अंदर से वो लोग कर रहे हैं, फिर बाहर आते हैं तो यहाँ से भी करते हैं। और ये रूम जो है ना, जिधर अली भाई लोग बैठते हैं, ये उन्होंने लॉक कर दिया। इसकी अभी कीज़ लेके आती हूँ और इसको खोलती हूँ, क्योंकि इसकी भी काफ़ी जो है ना सफाई होने वाली थी, मैंने देखा था इसको। अभी इसको भी साफ़ करवाती हूँ, अभी अंदर से वो सारी सफाई कर लें और फिर जो है ना वो बाहर आएँगी और यहाँ से करेंगी। अभी जो है ना रूम साफ़ कर रही हैं, जैसे रूम्स हो जाएंगे ना, उसके बाद डाइनिंग हो जाएगा और फिर ये लाउंज की तरफ आएंगी, और आखिर पे जो है ना गैरेज और वो बाहर वाला रूम जो है ना वो साफ़ कर लेंगे। तो आज मैं जो है ना इनके साथ मैं भी करवा लूँगी काम, क्योंकि मैं भी फ्री हूँ, और साथ एक व्लॉग भी बन जाएगा और मेरा जो है ना टाइम भी पास हो जाएगा, क्योंकि रूम ही नहीं है तो मैं काफ़ी बोर हो रही हूँ। मुसू भी सो गया है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ना इनके साथ जो है ना टाइम थोड़ा स्पेंड कर लूँगी, लड़कियों के साथ वो भी जो है ना थोड़ा हंस खेल लेंगी और मैं भी। तो अभी जो है ना मारिया के रूम की भी सफाई हो रही है और इधर की भी हो रही है। कारपेट के ऊपर से रोज़ जो है ना मैं डर्टल वाली मैं ये तपड़ी सी लगवा देती। मूसा का जो है ना आज भी थोड़ा बहुत फ्लू हो गया, तो इसको मैंने नेबलाइज कर दिया और मेडिसिन भी दे दी है, अब वो सो गया। झाड़ू वगैरह उसने लगा दिया, अब जो है ना वो तपड़ी सी रह गई है, पोची जिसको बोलते हैं, वो अभी लगा देगी आके। डर्टल में अभी जो है ना डलवा के रखी है मैंने, थोड़ी देर उसका असर हो ले और उसके बाद जो है ना फिर वो इधर से लगा देगी। नाश्ता वगैरह सब ने अभी किया है, आंटी लोग भी अभी गए हैं, कोई हो गया होगा घंटा हो गया उनको गए हुए, हम लोगों ने भी अभी नाश्ता कर लिया। हसन सुबह के गए हुए, वो सुबह लस्सी पी के चले जाते हैं, और बाकी हम सब ने नाश्ता कर लिया। अब हम शाम को ही खाएँगे खाना। राइस मैंने कल बिरयानी बनाई थी दम वाली, तो वो पड़ी हुई है, तय वाली बिरयानी जो होती है, तो वो अभी पड़ी हुई है, वो मैं ना अगर मैं मुझे भूख लगी तो वो खा लूँगी, अदरवाइज़ फिर शाम को जो है ना इंशाल्लाह फिर शाम का ही करेंगे डिनर। मैं ना अभी थोड़ी बोर हो रही हूँ, क्योंकि रूमी भी चला गया साथ, तो इतनी बोरियत सी हो रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेती हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक जो है ना डेली बेसिस पे पहुंचती रहे। तो अभी सफाई कर रही हैं, फिर मैं इनको जो है ना कीज़ बल्कि पहले ढूंढ लेती हूँ वो किधर पड़ी हुई है, वो रूम खोल के आती हूँ और उसमें से ना जो है उसकी सफाई करवाती हूँ। यहाँ से सफाई जो है ना वो सारी हो गई है। मारिया का रूम भी बिल्कुल साफ़ हो गया, ये देखिए जी, इसकी भी सफाई जो है ना वो अच्छे से हो गई है, और लाउंज की भी सफाई हो गई है, डाइनिंग की सॉरी। अब लाउंज की सफाई कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना बाहर गैरेज आ जाएगा और दूसरा रूम। लाउंज असल में इतना बड़ा है ना, बेचारी थक जाती हैं। अब दो लड़कियां जो है ना वो झाड़ू लगा रही हैं, और वो एक साइड से एक शुरू होती है, दूसरी साइड से दूसरे, तब जाके झाड़ू लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले हमने सोचा है कि इसको भी वॉश कर देते हैं, लेकिन इसको अगर वॉश किया तो इसका पानी निकालते निकालते जो है ना हमारा पूरा दिन लग जाना है, इसलिए इसको मैंने पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा इसको जो है ना ईद पे कर लेंगे, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे बच्चों के कपड़े, यहाँ पर छोटी जो है ना वो प्रेस कर रही है। मैंने कहा रूमी और मूसा के कर दो, क्योंकि फिर मुश्किल होती है कपड़े अगर ना हो तो। अभी मैं केस लेके आई हूँ, सबसे पहले इसको खोलती हूँ और इसकी कंडीशन देखती हूँ कि किस हाल में ये। इसका वॉशरूम आंटी कह रही थी कि काफ़ी जो है ना गंदा हुआ पड़ा है, वॉश होने वाला है।
रूम की जो है ना सफाई होने वाली, असल में जो लड़का इसकी सफाई करता है ना वो उसकी आज मंगनी के निकाह है तो वो लोग उधर गए हुए हैं। कल भी वो उसके घर में मसरूफियत थी, मेहमान वगैरह थे तो वो कल भी नहीं आया, तो इस वजह से जो है ना इसकी सफाई होने वाली, अभी इसको साफ़ करते हैं। फाइनली जी रूम की जो है ना अच्छे से सफाई हो गई है, रूम जो है ना वो ड्राई भी हो गया। मैंने पंखा जो है ना उसका बंद नहीं किया था, मैंने कहा जो है ना इसका पानी ताकि जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि ड्रेसिंग में जो है ना पानी थोड़ा खड़ा हो गया था, इस वजह से मैंने पंखा चला दिया, तो अब वो भी जो है ना सूख गया है और वॉशरूम भी जो है ना उसको भी खुश कर दिया है, तो रूम हमारा अच्छे से साफ़ हो गया। और गैरेज जो है ना वो भी अच्छे से सफाई उसकी सारी कर दिया। ये देखें जी गैरेज जो है ना चमक रहा है माशाल्लाह से, बिल्कुल जो है ना अब 3-4 दिन तो पता नहीं लेकिन 2-3 दिन अच्छे से गुजर जाएंगे और साफ़ सुथरा कर दिया। बस जो है ना टफ टाइल्स रह गई हैं उसको भी अभी जो है यहाँ से थोड़ा बहुत जो है ना रह गया है, इतना हमने किया, लेकिन आगे हम जो है ना उसको नहीं लेके गए क्योंकि अब टाइम एक तो शॉर्ट है, दूसरा अब ज़ाहिर कुकिंग भी करनी है, शाम का खाना बनाना है, तो इस वजह से जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। और अब जो है ना पौधों को पानी भी देना है, वो भी दे देती हूँ मैं थोड़ी देर बाद, और बाकी ये जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएगा। गर्मी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ गई है, जैसे हम लोगों को बार बार प्यास लगती है, पौधों को भी ऐसे जो है ना बार बार ही उनको भी पानी चाहिए होता है इस मौसम में, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी। अभी मैंने इनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा तर किया है और मैं उस साइड पे गई हूँ, वापस आई हूँ तो ये बिल्कुल खुश्क हो चुके थे, इतने मतलब कि शदीद वाली गर्मी है। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि प्लांट्स को ज़्यादा नहीं तो 2 दफ़ा सुबह शाम जो है ना इनको ज़रूर, अगर आपने प्लांट्स आपके घर में आए तो उनको 2 दफ़ा ज़रूर पानी दिया करें, क्योंकि इनको जो है ना खुराक की और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, वरना ये भी जो है ना इंसानों की तरह बिल्कुल जो है जैसे इंसान पानी के बगैर नहीं रह सकता ना, इस तरह पौधे भी पानी के बगैर जो है ना वो मुरझा जाते हैं और वो सलामत फिर नहीं रहते, अपनी असल कंडीशन में वो बिल्कुल नहीं रहते, वो इतने फिर सड़ गल जाते हैं और सारे जो है ना गिर जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने लगाए हुए हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा केयर किया करें और इनको जो है ना डेली बेसिस पे 2 टाइम्स इनको पानी दिया करें। उस साइड से सारा मैं लगा के आई हूँ, इधर से रह गया था तो इधर से अब जो है ना मैं थोड़ा सा इसको भी पानी दे लूँ, और उसके बाद जो दूसरा प्लॉट है ना वो आ जाएगा फिर जो है हमारा गार्ड, तो वो खुद ना पानी दे लेगा क्योंकि अब वो आने वाले हैं, तो फिर ना हसन खुद ही दिलवा लेंगे पानी। अब मैं अंदर जाने लगी हूँ मज़ीद, अब जो पाइप है ना मैंने इधर रख दिया है तो खुद ही जो है ना पूरी उस क्यारियों में ना पानी जाता रहेगा और इनको जो है ना पानी अच्छे से मिल जाएगा, और उसके बाद पाइप जो है ना मैंने लड़की को कहा है वो पीछे से बंद कर देगी। वो कहती है कैली भाई ऐसे ही देते हैं पानी, तो फिर मैंने कहा चलो ये तरीका ऐसे ही होता होगा, तो फिर मैंने ना इसके अंदर ही रख दिया है पाइप और वो खुद से जो है ना पानी सारा लगता रहेगा और ये अपनी प्यास बुझा लेंगी अच्छे से। मैं अब अंदर जाने लगी हूँ, एक तो मूसा को देखती हूँ जाके कि वो ना जाग गया हो, क्योंकि वो रात को ना गिर गया था हसन सुबह सुबह, रात को कि सुबह हसन वॉशरूम चले गए मूसा को अपने उस पर बिस्तर पे लिटा के, तो मूसा साहब जो है ना पिलो समेत नीचे आ गए और वो गिर गया था बेचारा, और उसको ना रात सुबह भी आंटी कह रही कि कहीं गिरा है, उसको चोट लगी थी, तो इस वजह से ना मैं अंदर जाने लगी हूँ उसके पास। और बाकी सारा अब शुक्र है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, चेयर्स भी हमने वॉश कर दी थी, और ये परिंदे इतने प्यारे लग रहे हैं ना, इनकी आवाज़ इतनी क्यूट सी लग रही है, तो अभी जाके मूसू को देखते हैं और फिर जो है ना चाय वगैरह बनाते हैं। काम जो है ना वो सारा हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे 5 मिनट के काम पे लेकिन हमारे 3 घंटे रखे हैं, तो अभी जो है ना मैं कपड़े चेंज करने लगी हूँ, अभी मैंने प्रेस करवाए क्योंकि मेरे सारे नीचे से जो है ना मिट्टी वगैरह लग गई थी, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा मैं चेंज कर लेती हूँ, ख़राब हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, अभी चेंज करती हूँ। मूसा जो है ना वो तो अभी सोइयाँ कर रहे हैं, अभी नहीं उठा, इसको वैसे उठाती हूँ अब क्योंकि फिर ये रात को नहीं सोता, तंग करेगा मूसू छोटू शारा, बहुत ही क्यूटी पाई, इतना प्यारा, ये मॉमी बोलते हैं, मॉमी इतने प्यार से बोलता है, तो मेरा यही दिल है कि ये मुझे मॉमी बोले, वो ये कि मेरे मॉमी स्टूडियो वो चैनल का भी वही नाम है तो ये मुझे बुलाता ही मॉमी है, तो इसलिए ना इसके मुँह से लगता बहुत प्यारा है, तो इसलिए मेरा दिल है ये मुझे मॉमी बुलाए, रूमी मामा बुलाता है, ये मॉमी बुलाता है। अभी मुझे हल्की हल्की भूख भी लग गई है, और हमारी जो दाई माई है ना अम्मा दाई, वो किचन भी साफ़ सुथरा करके गई। ये जो है ना गाँव में मैं आपको बताती हूँ, ये जो कपड़ा डालते हैं ना ऊपर, ये मक्खियों की वजह से डालते हैं ताकि बर्तन जो है ना वो ख़राब ना हो, मक्खियाँ जो है ना वो फिर ख़राब कर देती हैं बर्तन को, तो सारे वॉश करके दाई अम्मा ने ना ऊपर सारा ये कपड़ा वगैरह डाल दिया, और बाकी उसने कहा था कि मैं आके दोबारा जो है ना देख लूँगी कि, और नीचे से भी जो है ना बर्तन अभी थोड़े सेट होने वाले हैं, अभी बेचारे जो है ना वो लोग काफ़ी थक गए हैं तो अब निकाल दिया उनको,
अभी मैं राइस गरम करने लगी हूँ, यही खाती हूँ क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा वाली भूख लगी है। नाश्ता तो मैंने 12 बजे किया था, 1 बजे बल्कि, लेकिन अब काम किया ना तो इसलिए मुझे भूख लगी है। और थोड़ी देर बाद फिर चाय बनवाऊँगी और सारे फिर हम मिल के हम लोग पी लेंगे, साथ बिस्किट ले लेते हैं। और अभी आंटी लोग भी आने वाले होंगे। मेरा एक जो है ना मूसा ने फ़ोन गिराया है तो उसकी सिम जो है ना वो निकल गई, वो मेरे से सही एडजस्ट नहीं हो रही। मौसन आएंगे तो उनसे करवाऊंगी जैसे ही वो आएंगे। तो अभी मैं पता नहीं अब रब्ता कैसे करती हूँ, नेट पे पूछती हूँ आंटी से कि क्या बनाना है। थोड़ा सा चिकन पड़ा है बोनलेस तो वही बना देते हैं, क्योंकि सारी रात का खाना तो सबने खाना ही है। सफाई तकरीबन सारे रूम्स की हो गई है, आंटी का रूम भी सेट हुआ पड़ा है और लाउंज भी जो है ना पूरे ही सेट कर दिया था। बस अब कुछ डेज है इंशाल्लाह, फिर जो है ना हमारा दोबारा काम स्टार्ट होगा तो इसकी टाइल्स वगैरह पेंट सारा कुछ हो जाएगा। और फिर इसको जो है ना मैं एक वेल फर्निश तरीके से इसको बहुत ही अच्छा फर्निश करना है इंशाल्लाह, जैसे मैंने सोचा हुआ है ऐसे ही इसको करना है। बहुत अच्छा डिकोर करेंगे और फिर आपको ना होम टूर दूँगी इसका। बाहर से भी सारी सफाई होगी, पानी थोड़ा थोड़ा ये खुद ही ड्राई हो जाएगा। और अभी वो लड़कियाँ जो है ना थक हार के अब बैठ गई हैं। बाहर कौन गया? तो पैसे तो लिए नहीं आप लोगों ने? घर माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा है ना, ऐसे नीट एंड क्लीन हुआ पड़ा है। जब पेंट वगैरह हो जाएगा और टाइल्स लग जाएंगे फिर इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अभी ये ग्रीनरी की वजह से वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे कान तो उत गया जो ना मुझे उत गया जिंद को मुझे उत गए ने जो ने मुझे उत गए ने मुझे मम्मी बोलना मुझे मम्मी बोलना मम्मी मुझे मम्मी तो बोल दो। अभी उठा है, अभी मूसा का जो है ना शऊर बेदार नहीं हुआ। जी मम्मी बोलो। मैं जी इधर स्लाइड पे लेटी हुई हूँ और मुझे कोई जगह ही नहीं मिली लेटने की। हसन लोग जो है ना वो आ गए। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, रूमी का जो है सीरीलैक वगैरह ख़त्म था और मूसा का दूध था, साथ में पैम्पर्स थे, ये चीज़ें मंगवाई थी मैंने। रूमी जो है वो पहले हसन के साथ आ गया था, आंटी लोग जो हैं वो अभी आए हैं तो वो भी चाय वगैरह सारे पी रहे थे, वो हमने पी है। और एक दो जो है ना गाँव में बड़ी रौनक होती है, वैसे 3-4 औरतें आ गईं, वो आके बैठी रहीं काफ़ी देर, तो अभी गई हैं वो। जाइमू से मिली हूँ इतने दिनों बाद, जाइमू इतनी क्यूटी हुई हुई है, बहुत ही प्यारी सी लग रही थी मुझे, तो अभी मैं उसको सुला के आई हूँ। मैंने कहा ये चीज़ें सारी जो है ना इनको समेट लेती हूँ, इनको अभी जो है ना रखती हूँ। ये मैं जार लेके आई हूँ रूमों का, इसमें जो है ना सीरीलैक ख़त्म हो गया था, इसमें अब सीरीलैक डालती हूँ दोबारा इसको साफ करके। रूमू खान उठना नहीं है? रूमी अब उठने के करीब है, हिलजुल रहा है। अभी ये उठ गया ना तो फिर जो है ना पता लग जाना सबको कि रूमू खान उठ गया, शरारतें स्टार्ट हो जानी है। तो आज का व्लॉग यहीं पेंट करती हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और दुआ में याद रखा करें और जो है वैसे सब्सक्राइब करना ना भूला करें।